हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम वैलिडिटी के कुछ बचे हुए टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इससे पहले वाले वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारा चैनल है वो अभी क्रॉस कर गया है 8,451 सब्सक्राइबर। तो थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। बट एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं बट वो वीडियोस को देखते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा हमारे को यूट्यूब के थ्रू डेटा मिला है कि जो हमारे 75% जो व्यूअर्स हैं वो नॉट सब्सक्राइब्ड हैं, और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो केवल 20% हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं। यानी कि आप देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से क्लिक करिए, इस पर नीचे ऑप्शन आ रहा है, और वहाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप सभी को भी हेल्प मिले और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ने में हेल्प मिले। एक और जो इशू था वो आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते, क्योंकि व्यूज़ आपके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, इसके लिए आपका थैंक यू अगेन। देखिए, हमारा वीडियो था लेक्चर 5, उसको आपने 23K व्यूज़ दिए हैं, बट जो लाइक्स हैं वो केवल 655। तो एक और रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो हमारे पसंद नहीं आते हैं इसलिए शायद आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बट अगर आपको पसंद आता है देन लाइक कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो में यहाँ पर साइड में ऑप्शन आता है, वहाँ से आप सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, क्योंकि जो हमारा कम्युनिटी टैब है उस पर हम डेली अपडेट्स देते हैं, तो उस पर भी आप अपने डिस्कस जो है अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपने बेल आइकन पर क्लिक करा होगा तो आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैलिडिटी के 4 टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड टेम्परल और फेस वैलिडिटी, इन चारों को डिस्कस कर लिया था, और इसके जो सब टाइप्स थे उनको भी इस वीडियो में हम टेस्ट वैलिडिटी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वैलिडिटी के टाइप्स हैं वो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिसके फिर से फर्दर 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रिमिनेंट एंड कन्वर्जेंट, एंड सेकेंड टाइप है कंटेंट वैलिडिटी। थर्ड है क्राइटेरियन वैलिडिटी, जिसके फिर से 2 टाइप्स हैं, और यहाँ पर हमने लिंक भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, जिससे आप जहाँ पर से जाके आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है वो ले सकते हैं। टेस्ट वैलिडिटी, इसको हिंदी में परीक्षण वैधता कहा जाता है। टेस्ट वैलिडिटी इज कम्पोज्ड ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, इसके 2-3 टाइप्स होते हैं, वो हम आपको अभी आगे की वीडियो में बता देंगे। उनसे मिलकर ही टेस्ट वैलिडिटी बनी हुई होती है। अगर हम कह रहे हैं कि किसी रिसर्च में या कोई टेस्ट की टेस्ट वैलिडिटी अच्छी है, तो इसका मतलब उसकी जो 3 टाइप्स ऑफ फर्दर वैलिडिटी होती है वो उसमें होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि किसी भी टूल की या किसी टेस्ट की या किसी रिसर्च की टेस्ट वैलिडिटी है। टेस्ट वैलिडिटी रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी और टेस्ट कैन बी सेट टू हैव मीनिंग। टेस्ट वैलिडिटी इस बात से रिलेटेड है कि किसी भी रिसर्च के रिजल्ट या फिर किसी भी टेस्ट जो आ कर रहा है, जो उसका मापन कर रहा है वो टेस्ट, वो उसमें कोई ना कोई मीनिंग है। जिस चीज़ को बनाने के लिए वो बनाया गया है, जिस चीज़ को मेजर करने के लिए वो टेस्ट बनाया गया है, उस चीज़ को कितना मीनिंगफुली वो मेजर कर पा रहा है। देखिए, इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इसको हम समवर्ती वैधता कहते हैं। सेकंड इज कंटेंट वैलिडिटी, जिसको विषय वस्तु परक वैधता कहा जाता है। थर्ड है क्राइटेरियन वैलिडिटी, जिसको संरचनात्मक वैधता कहा जाता है। अब हम इनके टाइप्स के बारे में देखेंगे। वैलिडिटी का फर्स्ट टाइप है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इसको हिंदी में समवर्ती वैधता कहा जाता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बेसिकली रिफर्स टू द जनरल वैलिडिटी ऑफ अ मेजरमेंट डिवाइस। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को किसी भी मेजरमेंट डिवाइस की एक जनरल या सामान्य वैधता कहा जाता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रिफर्स टू वेदर अ स्केल और टेस्ट मेजर्स द कंस्ट्रक्ट एडिक्युएटली। जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है वो ये बता रही होती है हमें कि जो हमने टूल या टेस्ट बनाया है वो उस कंस्ट्रक्ट को जिसके लिए वो बनाया गया है कितने अच्छे से, कितने एडिक्युएटली टेस्ट कर पा रही है। अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट क्या होता है वो समझना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट जो होता है, जैसे हमने कोई एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया, तो यहाँ पर हमारा एप्टीट्यूड है वो कंस्ट्रक्ट है। अगर हमने एटीट्यूड टेस्ट बनाया तो
उस केस में एटीट्यूड कंस्ट्रक्ट कहलाएगा। हमने किसी पर्सनैलिटी टेस्ट को बनाया है तो उस केस में जो पर्सनैलिटी है वो कंस्ट्रक्ट कहलाएगा। तो यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं जिस पर हमारा टेस्ट डिपेंड है, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी टूल या टेस्ट के थ्रू, वो उस केस में कंस्ट्रक्ट बन जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है आप कमेंट करके बताइए, हम आपके उस डाउट को बिल्कुल दूर करेंगे। बेस्ट मेथड इज़ टू कंपेयर द न्यू मेजरमेंट विद अदर मेजरमेंट्स दैट आर एग्रीड टू मेजर अ सिमिलर कंस्ट्रक्ट और पार्ट ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट। अब इसको मेजर करने का जो तरीका है कि हमें ये कैसे पता करना है कि जो ये टेस्ट है उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी हमें एक ऐसा टूल या ऐसा टेस्ट या ऐसी कोई मेजरमेंट डिवाइस जो पहले से बनी हुई है उस चीज़ को कंपेयर, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए उसके रिजल्ट्स को, अपना जो टेस्ट हमने बनाया है उसके रिजल्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई टूल बनाया जो बच्चों की पर्सनैलिटी को, या फिर कोई और एग्जाम्पल देते हैं, बच्चों के एटीट्यूड को, मैथ्स की टूबर्ड जो बच्चों का एटीट्यूड है उसको चेक कर रहा है, ये हमने कोई टूल बनाया अपना नया। अब ये टूल हमारा कितना वैलिड है, इसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है, उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक ऐसा पुराना टूल जो मैथ्स के एटीट्यूड को कंपेयर करता है अगर अवेलेबल है तो हम उसके टेस्ट को अपने जो उसके मार्क्स आएंगे उस एटीट्यूड टेस्ट पर, किसी स्टूडेंट ए के, किसी स्टूडेंट बी के, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, उनके जो मार्क्स आएंगे, जैसे जो हमारा न्यू टूल था उस टूल में उस ए स्टूडेंट के मार्क्स आए 4 या 30, हम मान लेते हैं कि 30 मार्क्स आए, ऐसे ही बी स्टूडेंट के उस टूल में मार्क्स आए 50, और जो पुराना पहले से टूल बना हुआ था उस टूल में अगर एक बच्चे के मार्क्स आए ए वाले के 25 और जो बी वाला स्टूडेंट था उसके मार्क्स आए 39, बस सेवरल मार्क्स होंगे, काफ़ी सारे जो हैं स्कोर्स होंगे, उन सारे स्कोर्स को जब हम आपस में कंपेयर करेंगे यानी कि इन दोनों टेस्ट का कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे, तो जितना अच्छा हमारा कोरिलेशन आएगा उसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि इस टेस्ट की कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अच्छी है, या अगर बेकार कोरिलेशन आ रहा है, कम कोरिलेशन आ रहा है या नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये कोरिलेशन इसका अच्छा नहीं है, यानी कि इसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब जो कन्वर्जेंट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है उसके फर्दर टू टाइप्स हैं, पहला कन्वर्जेंट एंड सेकेंड डिस्क्रिमिनेंट। अब जो फर्स्ट टाइप होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का वो है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी रिफर्स टू द डिग्री टू विच टू मेजर्स ऑफ कंस्ट्रक्ट दैट थियोरेटिकली शुड बी रिलेटेड आर इनफैक्ट रिलेटेड। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी फाइंड आउट करनी है, अभी हमने आपको बताया था कि हमें दो अलग अलग टूल या टेस्ट को आपस में कंपेयर करना होता है। अब ये जो अलग अलग हमने टूल और टेस्ट लिए हैं इनको कैसे कंपेयर करेंगे, उसके लिए देखिए पहला हम जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है उसमें क्या करेंगे, ऐसे हमारे को दो कंस्ट्रक्ट, ऐसे कंस्ट्रक्ट, सेम कंस्ट्रक्ट जिनको हम थियोरेटिकली रिलेटेड बता रहे हैं या बिल्कुल सेम है, बाई चांस हमने कोई ऐसा कंस्ट्रक्ट पे बनाया जिसका पहले से कोई टूल अवेलेबल ही नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि वो उस टूल से रिलेटेड होगा। जैसे कि अगर सपोज कीजिए हमने फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस का टूल बनाया कोई, तो इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं रिलेशन मैथ्स में बच्चे के स्कोर से है, तो कोई पहले से ऐसा अवेलेबल टूल जो मैथ का मैथ्स में बच्चे के स्कोर बता रहा हो तो उससे हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे दो टूल या दो ऐसे कंस्ट्रक्ट हमने लिए जो थ्योरेटिकली आपस में रिलेटेड बताए जाते हैं। अब उन दोनों में जो भी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं हम उन सभी को कंपेयर आपस में कर लेंगे। तो जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का हमारा फर्स्ट टाइप है कन्वर्जेंट वैलिडिटी, उसमें हम क्या करते हैं, सेम जो कंस्ट्रक्ट हैं लगभग लगभग सेम या थ्योरेटिकली जिनको सेम माना जा रहा है उनके स्कोर्स को आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या इनमें कोरिलेशन आना चाहिए, अगर कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे वो आना चाहिए हमारा हाई कोरिलेशन, यानी कि पॉजिटिवली हाई कोरिलेशन। अगर कन्वर्जेंट वैलिडिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं और पॉजिटिवली हाई कोरिलेशन आ रहा है तब हम कहेंगे कि हमारा जो टेस्ट है उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है जो कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी है।
अब सेकेंड है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, जिसको डाइवर्जेंट वैलिडिटी भी कहा जाता है। अब ये बिल्कुल जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है उसके अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, हम ऐसे दो कंस्ट्रक्ट, कोई टूल वन ले लिया जिसका कंस्ट्रक्ट सी वन था, और कोई ऐसा दूसरा टूल ले लिया जिसका कंस्ट्रक्ट सी टू था, मतलब ऐसे दो कंस्ट्रक्ट जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करने से हमारा क्या मतलब है कि यहाँ कोरिलेशन अच्छा नहीं आना चाहिए। अगर इन दोनों का कोरिलेशन सेम आ रहा है तब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है वो नहीं है। बट अगर इनका कोरिलेशन की वैल्यू कम आ रही है, कोरिलेशन बहुत लो आ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ जो हमने टूल बनाया है वो उसी चीज़ को मेज़र करने के लिए बना हुआ है जो कंस्ट्रक्ट हम मेज़र करना चाह रहे हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कन्वर्जन डिस्क्रिमिनेंट में, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके उस डाउट को क्लियर करेंगे। इसकी देखिए डेफिनेशन देखते हैं। इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द कंस्ट्रक्ट टेस्टेड विच डोंट हैव अ रिलेशनशिप डू इंडीड नॉट हैव अ रिलेशनशिप विथ वन अनदर। मतलब जिनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो उनका कोरिलेशन भी अच्छा नहीं आना चाहिए। इससे आपका यही मीनिंग है। अब मेन चीज़ जो है यहाँ पे, कोरिलेशन बिटवीन थ्योरेटिकल सिमिलर मेजर्स शुड बी हाई। यानी कि जो कंस्ट्रक्ट ऐसे हैं जो थ्योरेटिकली सेम है, यानी कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी, वहाँ पे कोरिलेशन कैसा आना चाहिए, हाई आना चाहिए। और वाइल कोरिलेशन बिटवीन द थ्योरेटिकल डिसिमिलर मेजर्स शुड बी लो। और ऐसा जो हमने डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकाली है वहाँ पर कोरिलेशन हमारा जो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, लो कोरिलेशन होना चाहिए वहाँ पर। They work together, neither one alone is sufficient for stabilizing construct validity. अब अगर हमें construct validity बतानी है किसी भी test की, तो हमें ये दोनों चीज़ें calculate करनी पड़ेंगी। मतलब अपने tool को एक बार तो ऐसे tool से compare करना पड़ेगा जो same या similar construct का है, और एक बार ऐसे tool से या test से compare करना पड़ेगा जिनका आपस में कोई relation नहीं है। उसके बाद ही उनके रिजल्ट्स, उनके कोरिलेशन वैल्यूज़ आने के बाद ही हम बता सकते हैं कि हमारे टूल में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है या नहीं है, और या उसका जो कोरिलेशन वैल्यू है, कोफिशिएंट, वो कितना आ रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसका जो टेस्ट वैलिडिटी है उसका सेकंड टाइप होता है कंटेंट वैलिडिटी, यानी कि विषय वस्तु परक वैधता। जैसे विषय वस्तु इसका नाम से ही क्लियर है, अगर हम मैथ्स के लिए बना रहे हैं तो मैथ्स का वो टेस्ट हमारे कितने कंटेंट को कवर कर रहा है, वो कंटेंट उसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, कुछ ऐसे आस्पेक्ट ये हमें कंटेंट वैलिडिटी बताती है। कंटेंट वैलिडिटी रिफर्स टू एक्सटेंट टू विच अ स्टडी और टेस्ट मेजर्स अप अगेंस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ कंस्ट्रक्ट, कि जो कंस्ट्रक्ट है उसके सभी एलिमेंट्स को वो कवर कर पा रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पर्सनैलिटी लिया, पर्सनैलिटी हमारे एक कंस्ट्रक्ट है, अब इसके जो आस्पेक्ट होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारे फैक्टर या वो सारे डोमेन उसमें आ रहे हैं हमारे टूल में, टेस्ट में, या नहीं आ रहे हैं, यही चीज़ हमें कंटेंट वैलिडिटी बताती है। टू डेमोंस्ट्रेट दिस फॉर्म ऑफ वैलिडिटी द इंस्ट्रूमेंट मस्ट शो दैट इट फेयरली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्स द डोमेन और आइटम्स दैट इट प्रपोर्ट्स टू कवर। मतलब जो हम चाह रहे हैं कि हमारे टूल में जो जो डोमेन किसी भी कंस्ट्रक्ट के कवर होने चाहिए वो फेयरली और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यही कंटेंट वैलिडिटी हमें बताती है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हम कंटेंट वैलिडिटी को कैसे फाइंड आउट करें, तो उसका तरीका है एक्सपर्ट्स के थ्रू रेटिंग करवाना। जो भी हमने टूल या टेस्ट बनाया है उसको हम कुछ एक्सपर्ट्स को देते हैं जो उस कंस्ट्रक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं, उसके सारे डोमेन आस्पेक्ट के बारे में उनको अच्छे से नॉलेज है, और उसमें हम अपने क्लियर जो एम है वो लिख देते हैं कि इस टूल का पर्पस क्या है और इसमें हमने कौन कौन से डोमेन्स को कवर किया है। तो वो उस सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे और डोमेन जो हमने बताए हैं उस टूल को रेट करते हैं। लिकर्ट स्केल पर रेट किया जाता है और फिर उसका CVR निकाला जाता है। CVR के बारे में हम आपको आगे की वीडियोस में बता देंगे। तो उससे हमें पता चल जाता है, एक वैल्यू आ जाती है, वो वैल्यू हमें ये बताती है कि हमारे इस टूल की जो कंटेंट वैलिडिटी है वो कितनी है। ये बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके थ्रू हम रेट करवाते हैं, फिर लॉशे का एक फॉर्मूला होता है वो अप्लाई किया जाता है, उसके बेसिस पे हम कंटेंट वैलिडिटी को फाइंड आउट करते हैं। वैलिडिटी का नेक्स्ट टाइप है क्राइटेरियन वैलिडिटी, जिसको संरचनात्मक वैधता कहा जाता है।
It refers to the extent to which the results and conclusions are valid compared with other measures. ये हमें ये बताती है कि जो भी हमारे results हैं और जो conclusion हैं, जो study है किसी भी tool के, वो अगर हम किसी और measure से compare करेंगे तो वो भी हमारे सेम आएंगे, वो उससे कितने वैलिड हैं किसी और मेजर्स के साथ में, ये हमें क्राइटेरियन वैलिडिटी बताती है. बट ये फिर भी जो अभी हमने इससे पहले आपको वैलिडिटी बताई थी उससे डिफर है. यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी थी उसमें और क्राइटेरियन वैलिडिटी, इनमें डिफरेंस होता है जो कि हम आपको बताएंगे. देखिए, दिस फॉर्म ऑफ वैलिडिटी एंडेवर्स टू रिलेट द रिजल्ट्स ऑफ वन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट टू अनदर एक्सटर्नल क्राइटेरिया. यहाँ पर कुछ और दूसरे क्राइटेरिया से उसको कंपेयर किया जाता है और फिर बताया जाता है कि इसमें क्राइटेरियन वैलिडिटी जो हमारा टूल और टेस्ट है उसमें है या नहीं. इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है कॉन्करेंट वैलिडिटी, जिसको हिंदी में समवर्ती वैधता कहा जाता है. कॉन्करेंट वैलिडिटी रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स एंड कंक्लूजंस कंक्योर विद अदर स्टडीज एंड एविडेंसेस. This type of validity indicates the correlation between the predictor and criterion when data on both were collected at around the same time. इस जो validity है concurrent validity, उसमें हमारे पास दो हम categorize कर देते हैं, एक को हम predictor बना देते हैं और एक हमारा criterion हो जाता है. उस criteria के basis पे ही हम अपने जो tool बनाया है उसके marks को predict करते हैं और फिर उन्हें उनमें कोरिलेशन निकालते हैं. अगर कोरिलेशन ठीक आ जाता है तब हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा टूल है वो कॉन्करेंटली वैलिड है या उसमें कॉन्करेंट वैलिडिटी है. अब ध्यान रखने वाली बात आपको ये है कि सेम टाइम पर ही हम इसको कंपेयर करते हैं, जो डेटा कलेक्शन जो किया जाता है वो सेम टाइम पर ही किया जाता है. इट इज़ यूज टू डिटरमाइन अ पर्सन करेंट स्टेटस, और हम किसी भी पर्सन का जो करंट स्टेटस अगर हमें बताना है तो उसके लिए इसको हम यूज करते हैं. इसका सेकंड टाइप है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी या अपेक्षित वैधता, जिसको भविष्य सूचक वैधता भी कहा जाता है. प्रिडिक्टिव वैलिडिटी रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी. अगर हम किसी रिसर्च की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है, तो इसका मतलब हम उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उनका आकलन कर सकते हैं, तब तो हम कहेंगे कि उस रिसर्च में प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है. प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इज स्टेबलाइज थ्रू रिपीटेड रिजल्ट्स ओवर टाइम. हमें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें एक ही टूल से रिपीटेड मेजर्स लेने पड़ेंगे कुछ कुछ टाइम के बाद, तब हम उसमें कोरिलेशन निकाल के और उस टूल की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इज अचीव्ड इफ द डेटा एक्वायर एट द फर्स्ट राउंड ऑफ रिसर्च कोरिलेट हाईली विद डेटा एक्वायर एट फर्दर डेट. यहाँ पर वही बात है कि हम उनका कोरिलेशन निकालेंगे और अगर वो कोरिलेशन हाई आया उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हमारे इस टूल में है. बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो फ्यूचर डेटा होना चाहिए, यानी कि कुछ टाइम के अंतराल होना चाहिए, गैप होना चाहिए उन दोनों डेटा को लेने में. क्राइटेरियन डेटा आर कलेक्टेड आफ्टर प्रिडिक्टिव डेटा आर ऑब्टेंड. यहाँ पर क्या किया जाता है, जो क्राइटेरियन डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है किस चीज़ के बाद में, प्रिडिक्टिव डेटा जो हमारा है उसको ऑब्टेन करने के बाद में. For example, giving 12th pass out a test for admission to a university, the test is the predictor and the first semester grades in college are the criteria. If the correlation is large, this means the test is useful for predicting future grades. देखिए, जैसे यहाँ पर उन्होंने एक टेस्ट लिया, कोई 12th पास आउट स्टूडेंट थे, उनको एडमिशन लेना था यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट लिया गया. तो जो हमारा टेस्ट था वो प्रिडिक्टर था, किस चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहा था, वो फर्स्ट सेमेस्टर ग्रेड्स जो उनके कॉलेज में आएंगे उसको. और अगर उनके बीच में कोरिलेशन अच्छा पाया गया तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा टेस्ट था उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी थी. अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रेड्स हैं वो हमारे क्या हो गए, क्राइटेरिया हो गए. और अगर कोरिलेशन यहाँ पर लार्ज पाया गया, दिस मीन्स द टेस्ट इज़ यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ग्रेड्स.
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और सारी वैलिडिटी के जो हमने टाइप्स आपको समझाए हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके डाउट को तुरंत जो है दूर करने का पूरा पूरा ट्राई करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। देन प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं देन उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।